मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़े बदलाव की तैयारी। गुजरात फार्मूले को लागू करने की हो चुकी है तैयारी। गुजरात फार्मूले की खबर से शिवराज सरकार के उड़े होश। गुजरात फार्मूला मतलब शिवराज सरकार के लिए खतरे की घंटी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल होगा। शिवराज को देनी होगी 2 अग्नि परीक्षा। पहली बार कुर्सी बच गई तो दूसरी बार परीक्षा देनी पड़ेगी। पहली परीक्षा तो शुरू भी हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला हुआ। फैसला शिवराज के पक्ष में है या उनके खिलाफ, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर बात परीक्षा की है तो परिणाम का इंतजार करना भी जरूरी है। विधानसभा के बजट सत्र के चलते अभी इसे टाल दिया गया है। बजट पास होने के बाद शिवराज की किस्मत का फैसला होगा। उनकी कुर्सी रहेगी या बीजेपी चुनाव साल में सीएम बदलने की रणनीति मध्य प्रदेश में अपनाएगी। क्योंकि बीजेपी ने अब तक जिन राज्यों में चुनाव से पहले सीएम बदला है वहां जीत मिली है, और जहां नहीं बदला है वहां मुकाबला फंस गया। कहीं बीजेपी सत्ता में रिपीट हुई तो कहीं कुर्सी हाथ से निकल गई। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर फरवरी मार्च में बड़ा फैसला हो सकता है। कुर्सी गई तो नया सीएम आएगा, और बच गई तो नवंबर दिसंबर में फिर शिवराज के साथ पूरी मध्य प्रदेश बीजेपी को परीक्षा देनी होगी। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और जनता के बीच से मिल रहा फीडबैक शिवराज सरकार को परीक्षा तक ले आया। क्योंकि जनता का रुझान शिवराज सरकार के पक्ष में नहीं दिख रहा, यही कारण है कि पार्टी गुजरात फार्मूले को मध्य प्रदेश में सख्ती से लागू कर सकती है। वहीं दूसरी ओर 3 बार या उससे ज्यादा के विधायकों की उम्मीदवारी मुश्किल में दिख रही है। साथ में दिग्गज नेता चुनाव न लड़ने का ऐलान तक कर सकते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1.5 दशक बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां पार्टी को मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रही हैं। जमीनी स्तर से जो फीडबैक आ रहा है वह पार्टी के लिए संदेह पैदा कर रहा है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। जल्दी नहीं संभले तो 2018 से भी बुरे परिणाम आएंगे। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी राज्य की स्थिति को लेकर मंथन हुआ। उसके बाद ही यह तय हो चुका है कि गुजरात फार्मूले पर आगे बढ़ा जाए। हाईकमान के पास अब तक जो जमीनी हालात हैं उसका ब्यौरा आया है। उसके आधार पर पार्टी कई विधायकों का टिकट काटेगी ही। उसमें बड़ी तादाद में ऐसे नेता होंगे जो 3 बार से ज्यादा विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी ने 3 मुद्दों पर राज्य में कई बार जमीनी फीडबैक मंगवाया। या थे सरकार को लेकर मतदाताओं का रुख क्या है, मंत्री के प्रति जनता की राय क्या है, और क्षेत्रीय विधायक से मतदाता कितना संतुष्ट है। इन 3 मुद्दों को लेकर आए फीडबैक ने पार्टी को चिंता में डालने का काम किया है। पार्टी की नजर अब उन खास लोगों पर है जिसके चलते पार्टी को नुकसान की आशंका है। पार्टी में यह भी राय बन रही है जिन नेताओं की छवि अच्छी नहीं या जनता में नाराजगी है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद 3 बार से ज्यादा विधायकों और अन्य पर फैसला होगा। पार्टी को बगावत की भी आशंका है, लेकिन पार्टी जोखिम लेने को तैयार है। इसकी भी वजह है क्योंकि पार्टी को भरोसा है जिनके टिकट कटेंगे उनमें से मुश्किल से 5% नेता ही ऐसे होंगे जो दल बदल करने का जोखिम लेंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी में 3 सत्तारूढ़ राज्यों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, जबकि बाकी दोनों राज्यों में लोकसभा के बाद चुनाव होंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर चिंताएं ज्यादा हैं।